हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सीने आजकल से अमित आनंद, और आज हमारे साथ स्टूडियो में है संतोष झा जी, जिन्होंने मैत्री फिल्म बनाई है और बहुत सारे फिल्मों में एज ए ईपी इन्होंने काम किया है। तो आज मिलते हैं संतोष झा जी से। नमस्कार सर, कैसे? नमस्कार, बढ़िया। आपके सीने आजकल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो संतोष जी बहुत सालों से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, और आज हम इनसे ही जानते हैं कि कितने सालों से हैं बॉलीवुड में और क्या क्या इन्होंने किया है। तो सर जरा हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में बताइए कुछ। फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए तो मुझे करीब 25 साल आप मान सकते हैं कि 25 साल तो हो गया है, और बहुत सारी फिल्मों में काम करते हुए आए हैं। बेसिकली काम क्या करना, कह सकते हैं कि हमने फिल्म उद्योग के लिए सेवा किया है जी, जिसमें राज सिप्पी साहब हैं, राजकुमार संतोषी जी हैं, विक्रम भट्ट साहब हैं, बालाजी टेलीफिल्म्स, फैंटम, रिलायंस एंटरटेनमेंट, जब जहां जैसा मिला काम करते रहे। काम करने के लिए आए थे तो काम करना यही मुझे अच्छा लगता है और यही मैं करता हुआ आया हूँ। आपके शुरुआती दौर, जब आदमी स्टार्ट होता है बॉलीवुड में आने के लिए, यहाँ पहुँचने तक का पूरा आपका सफ़र कैसा है? सफ़र तो संघर्ष में ही रहता है, क्योंकि हम लोग कोई बहुत बड़े बाप के बेटे तो हैं नहीं। परिवार से जो सहयोग मिलना चाहिए था, जो कुछ मिला है वो आप कह सकते हैं कि हमारे लिए सिर्फ हमारे माता पिता का संस्कार मिला है, परिवार और समाज का, सभ्यता और संस्कृति लेके आया था मैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे संघर्ष करते हुए आए हैं, नौकरी करने के लिए आए थे। पता नहीं था कि मैं फिल्मी दुनिया में काम करूँगा या फिल्मों के लिए काम करूँगा। कुछ ऐसी चुनिंदी फिल्में जो लोगों को बताएं तो उनको पता चले कि हाँ, आप इन सब फिल्मों के लिए आपने अपना सहयोग या योगदान दिया हो। देखिए, सबसे बड़ा जो मेरे जीवन का पहला एक फिल्म था वो हमारे आप गुरु कह सकते हैं, सुरेश शर्मा जी उनका नाम है। उन्होंने कॉलेज गर्ल, कायदा कानून, अक्षय कुमार साहब के साथ उन्होंने बनाया। उनकी एक फिल्म थी अंश, आशुतोष राणा और ओम पुरी को लेकर। अगर आपके बिहार, हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के दर्शक को पता होगा कि एक गाना जो था उस टाइम में सपना अवस्थी जी का बहुत हिट हुआ था, जो बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी हुई है, अंश फिल्म का नाम था। कह सकते हैं उससे पहले जो कुछ भी कर रहा था, लेकिन जो शुरुआत है फिल्म उद्योग के लिए काम करने की, जो सही प्रक्रिया है, जहां से हमने रूट पे काम करना शुरू किया, वो मेरी पहली फिल्म आप कह सकते हैं अंश। उसके बाद तो बहुत सारी फिल्में किया है, विक्रम भट्ट साहब के साथ करीब 8-10 फिल्में मैंने किया है। बालाजी फिल्म मोर देन एक दर्जन से ज्यादा तो मैंने धारावाहिक किया है। आप डेंजरस इश्क देखे होंगे उनका, विक्रम जी का, संतोषी साहब का आपने हल्ला बोल देखा होगा। 50 से ज्यादा फिल्में हैं। अभी नाम गिनाने के लिए भी जाऊं तो मतलब गिनना बहुत मुश्किल होता है। अक्षय कुमार साहब के साथ किया था शौकीन, तो मतलब यही है कि अब कह सकते हैं कि मैंने एक फिल्म बनाई है मैथिली, बाकी सब तो ठीक है, सेवक था, सेवा करता है। कि आपने एक फिल्म एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनाई है जिस फिल्म का नाम है मैथिली, और लोगों ने बहुत उस फिल्म को सराहा भी है, और मतलब जिससे भी पूछो बताते हैं बहुत अच्छी फिल्म है। तो आपको कैसा लगा कि ये मैथिली आपको बनानी चाहिए? मैथिली क्या होता है कि हम जिस परिवार और जिस समाज से आते हैं, वहाँ पे जब कभी भी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं या कभी किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले हम अपने घर के भगवती को प्रणाम करते हैं, उनको पूछते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर मैं सिनेमा की दुनिया में आया हूँ जी, सिनेमा के लिए काम करना है, तो घर से शुरुआत क्यों ना की। तो इसलिए मैंने मैथिली का चुनाव किया था। मतलब आपकी भाषा भी मैथिली है, इसलिए आपने सीधा अपने मातृभाषा से ही शुरुआत किया। जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर आना भी है तो सीधा मातृभाषा से है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर आना
मेरे लिए उतना एम्बिशियस नहीं है, इतना ये नहीं था कि मुझे प्रोड्यूसर बनना है या डायरेक्टर बनना है। मेरे लिए सिर्फ एक ये बातें थी कि मुझे अपनी भाषा में एक अच्छी फिल्म बनानी है, जो समाज को भी अच्छा लगे, समाज को एक कुछ प्रेरणा मिल सके, और समाज क्योंकि जो मैथिली हमारी भाषा है बहुत ही समृद्ध भाषा है। आप कह सकते हैं कि आदिकाल से, त्रेता युग से, जब से राम और सीता कहानियां हम पढ़ते आए हैं पुराणों में, वेद में, रामायण में, तो राम और सीता का जब से अस्तित्व है तब से मिथिला और अवध का अस्तित्व है। अवध का मैं इसलिए नाम लेना चाहता हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की दो ही भाषाएं प्रचलित हैं। अवधि मतलब आज के युग का हो गया भोजपुरी, भोजपुरी नहीं था, अवधि था। तो मैथिली तो मेरी भाषा भी है और मेरा गौरव भी है। और एक प्लस पॉइंट और है, जैसा सुनने में आया कि इस फिल्म को लिखा भी आप ही ने, स्वयं आपने लिखा है, तो कहीं से आपने क्या स्टोरी, मतलब लिखने से पहले आपने क्या सोचा कि मतलब एक फिल्म बनानी तो है मुझे, पर इस सब्जेक्ट को लेके आपने बनाया? विषय जब कुछ हम चुनते हैं तो अपने स्वभाव के अनुकूल चुनते हैं। हमने समाज में कुछ ऐसी कुप्रथा देखा है, ऐसी कुरीतियों को देखा है, रीत के साथ हमने कुछ ऐसी कुरीतियों को देखा है जिसके लिए मुझे लड़ाई लड़नी थी। मैं सैनिक आदमी तो हूं नहीं, मेरे पास बंदूकें तो है नहीं, द्वापर युग का अर्जुन तो हूं नहीं कि मेरे पास धनुष है या मैं धनुर्विद्या में निपुण हूं। फिल्म एक माध्यम है अपनी बातों को आपको समाज तक पहुंचाने का। जैसे क्या होता है कि हमने समाज में देखा है, अपने समाज में जब किसी लड़की की शादी होती है, बहू बनकर जब वो अपने समाज में मतलब ससुराल आती है, आते ही अगर उसके जीवन में कुछ घटना दुर्घटना घट जाए, दुर्भाग्यवश अगर उसका पति मर जाए, वो विधवा हो जाए, तो समाज उसे ही इस बात के लिए दोषी ठहराता है कि इसमें वैधव्य योग है, यही कुलक्षणी है और यही अपने पति को खा गई है। ये मैं मानता हूं क्योंकि सनातनी हूं, वैधव्य योग होता तो है लेकिन सिर्फ वैधव्य योग नहीं होता, उसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। जैसे हम लोग सनातन में एक पिता के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है उसका पुत्र उसे मुखाग्नि दे, अगर एक माता पिता को उससे सुख लिखा होगा और पुत्र के हाथ से मुखाग्नि लिखी होगी, कोई लड़की विधवा कैसे हो सकती है? ये बात समाज जानती तो है लेकिन इस दिशा में सोचना नहीं चाहती, सोचती नहीं है, शाब्दिक ज्ञान नहीं है समाज के पास। समाज ये सोच ले कि एक बहन का प्रारब्ध भी जुड़ा हुआ है कि रक्षाबंधन में उसका भाई उससे आएगा और उसके हाथों से अपनी कलाई पे राखी बंधवाएगा, एक बहन का भी तो भाग्य है। ये मेरे मन की एक अपनी उपाय, मतलब आपने ये आपके खुद का कंटेंट है, आपने खुद ही एक मन में आपके विचार आया और आपने फिल्म बना दी मैथिली। ऐसा ही सभी फिल्मकार करते हैं, जिसके मन में जो विचार आया उस पे चल पड़ते हैं। हमको अभी कहीं जाना है, हमने सोचा हमको जाना है, वहां पे निकल जाएंगे। ऐसे ही फिल्म का भी है, कोई विषय वस्तु है जो आपके दिल के करीब है, जहाँ से आप होके गुजरते हैं उसी दिशा में चलते हैं, सिनेमा तो यही है। संतोष जी, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा। आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हों, तो उनको क्या ऐसा मन में कुछ लाए कि हाँ हमें कुछ करना है? आप कहाँ जाना चाहते हैं ये तो आपका व्यक्तिगत विषय है, आप क्या करना चाहते हैं ये भी आपका व्यक्तिगत विषय है, क्या कर सकते हैं ये आपका व्यक्तिगत विषय है या नहीं है ये आपको सोचना है। आप कहीं भी जा सकते हैं, आप अंतरिक्ष पे जा सकते हैं। मेरा मतलब है जो दर्शक हैं, जो हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए कुछ मोटिवेशनल स्पीच थोड़ा सा देना चाहते हैं? उनके लिए क्या मोटिवेशनल स्पीच, हमारे चैनल को देखते रहिए और सामाजिक
धाराओं से, हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उससे जुड़ी हुई कुछ बातें अगर जानना हो, कुछ समझना हो समाज में क्या चल रहा है, इसी के लिए ये जो हमारा न्यूज चैनल है जिसको प्रचार प्रसार के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचते हैं, हम यही कहेंगे कि आप लोग देखते रहिए, कभी ना कभी आपको ऐसा भी कुछ मिलेगा। अगर आप नायक बनना चाहते हैं, नायिका बनना चाहती हैं, तो हम आपके लिए कभी कुछ टिप लेकर आएंगे, हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे आना है, रास्ता क्या है। धन्यवाद भैया, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े और आपने अपना समय निकाला हमारे साथ, धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे संतोष झा जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।